इन्हें पैसा खिलाया जाता है चुप रहने के लिए या कॉलेज की तारीफें करने के लिए। डीमोटिवेशन की तरह नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस वीडियो शुड सर्व यू एज अ मोटिवेशन कि तुम्हारे पास इतना लॉक्ड इन है, ठीक है, मतलब तुम इतने रुपए के आदमी तो हो गए हो। देखो यार, थोड़ा सॉरी हूं, थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूं। अभी पिछले एक महीने में सिर्फ दो वीडियोस आई हैं चैनल पे, और उसके लिए यार आई एम वेरी सॉरी। डिसअपॉइंटमेंट का कारण आगे वीडियो में पता चल रहा होगा। मुद्दे की बात पर आ जाते हैं यार, ये वीडियो किसको देखनी चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके आए हो, कुछ सोच समझ के आए होंगे। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बता देता हूं कि अगर तुम्हारी फरवरी या मार्च वाले एग्जाम में, जेई के 2021 एग्जाम में 98 या 99 से ज्यादा परसेंटाइल आई है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, इसको छोड़ के जा सकते हो। बट अगर तुम्हारी परसेंटाइल आई है 98 से कम, 90% आई है, 80% आई है, तुम्हारी 1,00,000 रैंक बनती है, 2,00,000 रैंक बनती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस करना क्या है, वीडियो को 1.25x या 1.5x पे लेके जाओ, कंटेंट को जल्दी कंज्यूम करने की आदत डालो। टाइम वेस्ट नहीं होने दे रहा होऊंगा इस वीडियो के अंदर। चार्ट समझा देता हूँ, बेसिक सा बना लिया, ठीक है। किसी भी कॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉलेज का नाम यानी कि कॉलेज का ब्रांड, उसकी क्या लोकेशन है, उसकी क्या फीस है, वहाँ कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो तुम, और उस ब्रांच को पढ़ने के बाद तुम्हारा वहाँ का एवरेज पैकेज क्या होने वाला है। 80 से 90% और लेस देन 80% में इस ग्राफ को बांटा है। और यार यहाँ पे कुछ कुछ कम पैकेज वाले कॉलेजों को भी रैंकिंग में ऊपर रखा गया है, क्योंकि उनका ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगले 10-12 मिनट में जो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इनसाइडर चीजें इन कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो कोई यूट्यूबर तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि इन्हें पैसा खिलाया जाता है चुप रहने के लिए या कॉलेज की तारीफें करने के लिए। कोरा पर पेड रिव्यूज चलाए जाते हैं, पूरे सिस्टम की यार इन्होंने भसड़ मचा रखी है। जो भी कॉलेज मेरे को ऐसे ईमेल भेजते हैं, उनके लिए एक सिंपल सा मैसेज है मेरी तरफ से कि यू कांट पुट अ प्राइस टैग टू यश गर्ग एंड हिज ऑडियंस। शुरू करते हैं यार वीडियो को जल्दी से। 80 से 90% और लेस देन 80% में हमने बांट दिया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 80 से 90% अगर तुम्हारी फरवरी या मार्च अटेम्प्ट में आई है, तो तुम इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले यार हमारे पास थापर पटियाला पंजाब के अंदर है, फीस काफ़ी ज़्यादा 23,00,000, ठीक है, बिल्कुल प्राइवेट कॉलेजेस की जो टॉप वाली फीस होती है वैसी फीस है, ठीक है, 23,00,000 फीस है। 8.2 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज है। बिट्स पिलाने के बाद यार सेकंड नंबर पे जो मेरे को एक प्राइवेट कॉलेज अच्छा लगा है पूरे भारत में, जो एथिकली सारे काम कर रहा है, प्लेसमेंट्स निकाल रहा है बच्चों की बारे में एक्चुअली सोच रहा है यार, वो होने वाला है थापर पंजाब, और इसलिए इसको मैंने फर्स्ट रैंक दी है। अगर तुम्हें थापर पंजाब के अंदर कंप्यूटर साइंसेज मिलती हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सेलेंट ऑप्शन फॉर यू। नंबर टू पे यार हमारे पास है मणिपाल कर्नाटका, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज़्यादा फीस समझ लो मणिपाल की है, बट इसका जो ब्रांड नेम है यार उसके पैसे हैं, ठीक है। मणिपाल तुम जा रहे हो, सिंपल सी बात समझ लो, थापर मणिपाल के तुम ब्रांड नेम के लिए पैसे दे रहे हो, क्योंकि इनका एलम बेस यार बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड है, ठीक है, तुम लिंक्डइन पे देखोगे हर जगह तुम्हें ये लोग मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे यार हमारा VIT वेल्लोर आ जाता है, वेल्लोर कैंपस में CS की बात करें हम, ठीक है, तो 6 से 6.5 lakh का यहाँ पर एवरेज पैकेज तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। 13 से 30 lakh तुम फीस भर रहे होंगे बेस्ड ऑन योर VT रैंक। VT एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ता है यार, ठीक है, तुम्हें थापर मणिपाल सीधा, तुम्हारे जो थापर है ये JEE से एडमिशन लेता है, मणिपाल का अलग से टेस्ट होता है, VIT वेल्लोर का भी अलग से टेस्ट होता है, इनके पेपर देने पड़ते हैं, उसकी रैंक के बेसिस पे VIT वेल्लोर में तुम्हारी फीस डिसाइड होती है। अच्छी रैंक को कम फीस में एडमिशन मिल जाएगा, थोड़ी रैंक खराब आई और अच्छी ब्रांच चाहिए तो तुम्हें 30,00,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं अपनी 4 साल की बीटेक की। 6 से 6.5 lakh का एवरेज पैकेज मिल रहा होगा। थापर मणिपाल के बारे में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बच्चों से पता चली है मेरे को, मेरे जो खुद दोस्त पढ़ रहे हैं, मेरे को पहले विश्वास नहीं था, बट ड्रग कल्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हें इन दोनों कॉलेज में मिल रहा होगा। बूज, दारू, सुट्टा, जो भी वर्ड्स यूज करते हो तुम, वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चलन है, क्योंकि मणिपाल में थोड़ा क्लबिंग का माहौल रहता है, ठीक है। तो अगर उस एनवायरनमेंट में कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है और अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता, तो आप मणिपाल को स्किप कर सकते हो और थापर को स्किप कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और किसी कॉलेज में ये चीजें नहीं चलती, बट यहां पर थोड़ा ज्यादा वाइड स्प्रेड है और ईजी एक्सेस है इन चीजों की, तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा यार हिला हुआ रहता है। VIT वेल्लोर यार हमारा, ठीक है, बढ़िया कॉलेज हो गया। RVCE बैंगलोर पे चलते हैं। तुम्हें सिंपल सी बात समझनी है यार कि अगर तुम नॉर्दर्न इंडिया के हो तो थापर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है प्राइवेट कॉलेज में, और अगर तुम सदर्न इंडिया के हो तो VIT वेल्लोर, मणिपाल और RVCE बैंगलोर तुम्हारे बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। RVCE बैंगलोर काफ़ी माइल्ड कॉलेज है। RVCE के अंदर यार मैनेजमेंट कोटा का सिस्टम चलता है, 50,00,000 रुपये दो, कंप्यूटर साइंस ले लो। अच्छी बात यह यार कि ये इस चीज़ को साइट पर एडवर्टाइज करके रखते हैं, ये पीछे से बैक एंड एडमिशन नहीं करवाते जैसे और कुछ कॉलेजेस में हो रहे होते हैं इस लिस्ट के, बट
अगर तुम्हारे पास मनी है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास मनी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस सीट पे घुसना गलत है, क्योंकि उनका अलग से यार उन्होंने वो सीटें क्रिएट करी हैं। बट एक जनरल कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से मेरे को ये चीज़ मैं अप्रिशिएट नहीं करता इस चीज़ को। नंबर 5 पे हमारा जेपी नोएडा आ जाता है। ये एक ऐसा कॉलेज है यार जिसको मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अंडररेटेड और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कॉलेज है यार इसकी। ये देखो, जेपी नोएडा 1,00,000 रुपये फीस ले रहा है तुमसे, 6,00,000 पर एनम का एवरेज पैकेज तुम्हें ऑफर कर रहा है। अच्छा नहीं बोल रहा इसे, बट खराब नहीं बोलूंगा प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से, क्योंकि ये 23,00,000 रुपए लेके 8.2 लाख का एवरेज पैकेज ऑफर कर रहे हैं और जेपी 10,00,000 लेके ऑलमोस्ट आधी कॉस्ट में यार तुम्हें, ठीक है, ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा। और जेपी में भी तुम अच्छे स्टूडेंट्स के अंदर हो तो तुम्हारी भी यार लगती है, ठीक है। मेरे टाइम में जब मैंने जेपी का एनवायरमेंट देखा था, तब मेरे को पता चला था कि यार अमेजोन वगैरह में जेपी के बच्चे जाते हैं 27,00,000 31,00,000 के पैकेजेस पे, तो दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस कॉलेज को यार मतलब तुम कंसिडर नहीं कर रहे तो सही में काफी स्ट्रॉन्ग मिस्टेक कर रहे हो। दो कैंपसेज हैं, ठीक है, 62-128, बाकी यार इन्फॉर्मेशन देख लेना। नंबर 6 पे यार हमारा USICT दिल्ली आ जाता है। फीस ज्यादा लग रही है, मेरे को पता है यार ये सारे कॉलेजेस महंगे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। USIT यार सरकारी कॉलेज है, 4,00,000 रुपए में तुम्हारी मात्र बीटेक हो रही होगी, ठीक है। और मात्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे कम अमाउंट है जो तुम्हें बीटेक का मिलेगा जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद। उसके अलावा 3-4 लाख रुपए तो सारे यार मिनिमम कॉलेजेस ले रहे होते हैं बीटेक के। 4,00,000 यहाँ की फीस है और 5,00,000 यहाँ का एवरेज पैकेज है। USIT यार ठीक है, तुम सरकारी डिग्री के लिए जा रहे हो, इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा, इतना बड़ा कैंपस साइज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बट सरकारी डिग्री मिलेगी, तो अगर वो किसी के पेरेंट्स को अच्छी लगती है तो USIT को तुम्हें श्योरली कंसिडर करना चाहिए। नंबर 7 है यार हमारा SRM KTR होने वाला है। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे ये बताओ यार हमारी 2-3 लाख रैंक आई है तो ये सब मिलेगा। उसके लिए यार आगे मैं इन कॉलेजेस की कुछ रियलिटीज़ और मिथ्स बस्ट कर रहा हूँ। SRM KTR पे आ जाते हैं। 20,00,000 रुपए फीस है यार, फीस बहुत ज़्यादा लगती है मेरे को। पैकेज यार तुम्हें 4-5 लाख का देखने को मिलता है। मेरा एक दोस्त था वो SRM को छोड़ के आ गया था। अगली वीडियो जो आ रही होगी उसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार कि टारगेट रैंक्स कितनी होनी चाहिए तुम्हारी अगर तुम्हें इंडिया के टॉप NITs में पढ़ना है, टॉप IIITs में, GFTIs में, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया के एडमिशन ऑफर करते हैं, उनके लिए तुम्हें अप्रैल में मे के अंदर अपनी क्या परसेंटाइल, अपनी क्या जो रैंक्स है वो रखनी पड़ेगी। उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नंबर 8 और 9 यार हमारे कॉलेज होने वाले हैं मेड दिल्ली और महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। 3-4 लाख का एवरेज पैकेज है। यश क्यों यहाँ पर लिखा है तुमने 3-4 लाख के पैकेज वाले कॉलेजेस तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यार सिंपल सी बात है, कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये कॉलेजेस अच्छे हैं या ये तुम्हें एक अच्छा एक्सपोजर देते हैं, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी यार मेट और MSIT के बच्चों के बारे में कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं और लेटर स्टेजेस इन लाइफ जो इनके करियर की होती हैं उसमें भाई ये ले जाते हैं भाई खींच के। ये लोग वो हैं जो 1-1.5 करोड़ रुपए साल का कमा रहे होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले यार मैं मिलके आया बंदा, ठीक है, वो IP यूनिवर्सिटी के थे, ठीक है, और ऑडी में घूम रहे थे, ठीक है। तो मेट MSIT का तुम्हें तुम्हारे जो 4 साल हैं वो इतने फ्रूटफुल नहीं होंगे, बट अगर तुमने उस वक्त सही नेटवर्किंग करी, सही कनेक्शन बनाए, तो आगे की लाइफ तुम्हारी यार बहुत सही हो सकती है। एक्सपोनेंशियल राइज यार मेरे को IPU के इन दोनों कॉलेजेस से देखने को मिला है। नंबर 10 पे यार हमारा UPES देहरादून आ जाता है। 4.5 लाख का एवरेज पैकेज, 12-15 लाख फीस। मैं कहूँगा कि अगर ये सब नहीं मिल रहे तो यार तुम्हें UPES देहरादून को कंसिडर करना चाहिए, वरना देयर इज नो सच पॉइंट। पेट्रोलियम के लिए फेमस है, तो अगर तुम वहाँ पे वो तुम्हारा इंक्लिनेशन है तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। UPES देहरादून का मेरे को सुनने में आया है ये चीज़, देखो मेरे को नहीं पता प्रूफ, बट मेरे टाइम में जब मैंने फॉर्म भरा था तो फिर एक अंकल थे हमारे फैमिली फ्रेंड, उनका वहाँ पे प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का BSES में काम करते हैं, तो फिर उन्होंने बताया था कि वहाँ का माहौल उन्हें अच्छा नहीं लगा UPES देहरादून का, और इसलिए फिर मैंने फॉर्म भर के भी इसका पेपर नहीं दिया था। नंबर 11 आ जाता है यार, कुछ लोग पूछ रहे थे सिम्बायोसिस पुणे के बारे में। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे जहाँ तक पूछा 3.5-4 लाख का यहाँ पर एवरेज पैकेज है, 10.5 लाख यहाँ की फीस है, ठीक है। सिम्बायोसिस का ब्रांड अच्छा है तो तुम उस ब्रांड के लिए थोड़ा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो उस ब्रांड के लिए तुम जा रहे हो, वरना इतनी फीस देने का कुछ पॉइंट नहीं है अगर तुम्हें इन सब में से कोई भी कॉलेज मिल जाता है। जल्दी से आ जाते हैं लेस देन 80% की तरफ, क्योंकि ये हमारी मेजॉरिटी जनता इस वीडियो के लिए यहाँ पर वेट कर रही होगी कि तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस स्टेज पर जहाँ पर अभी तुम हो वहाँ पर तुम्हें ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारी इतनी परसेंटाइल आई है और तुम IIIT हैदराबाद का कॉलेज रिव्यू देख रहे हो तो उसका सेंस नहीं है, ठीक है। लेस देन 80% के लिए हमारे पास नंबर 1 आ जाता है बेनेट नोएडा। पता नहीं इस कॉलेज को लोग इतना जानते क्यों नहीं है अभी। बेनेट नोएडा में यार मेरा सिर्फ एक फ्रेंड गया है, ठीक है, और उसने जो डेवलपमेंट की है ना यार मतलब अपनी लाइफ में, वो बंदा नहीं था भाई मतलब इतना पढ़ने वाला, बट उसने मचाया है भाई लाइफ में, ठीक है। रोबोटिक्स में काम किया है उसने, हैकाथॉन्स करी हैं उसने, तो यार बेनेट नोएडा, ठीक है। और बेनेट नोएडा के साथ साथ एक कॉलेज है गलगोटियाज, अगर तुमने नाम सुना होगा,
नाम थोड़ा अजीब है बट कॉलेज यार बेनेट और गलगोटियाज दोनों काफ़ी सही। 17 लाख फीस है, काफ़ी बड़ा पेन पॉइंट मेरे हिसाब से। 5.5 लाख का तुम्हें एवरेज पैकेज यार बेनेट का देखने को मिल रहा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर अखबार पढ़ते हो तो उनका है यार ये बेनेट, और इसको मैंने यहाँ पे नंबर 1 पर रखा है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात यार, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4 लाख 5 लाख 6 लाख रैंक वाले बच्चों से, और इस वीडियो को यार तुम्हें डीमोटिवेशन की तरह नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस वीडियो शुड सर्व यू एज अ मोटिवेशन कि तुम्हारे पास इतना लॉक्ड इन है, ठीक है, मतलब तुम इतने रुपए के आदमी तो हो गए हो, ठीक है, इसके आगे और क्या अच्छा हमारी लाइफ में किया जा सकता है। मणिपाल जयपुर पे आ जाते हैं जल्दी से। मणिपाल जयपुर यार बहुत ज़्यादा फीस, 25 लाख रुपए यहाँ की तुम्हारी फीस है। कैंपस सुंदर है बट उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए यहाँ का एवरेज पैकेज है, सिंपल सी बात है यार। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मणिपाल तुम जा रहे हो तो मणिपाल तुम जा रहे हो उसके ब्रांड के लिए, उसके एल्बम के लिए और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर तुम्हें देता है, तभी जाना अगर अफोर्ड कर सकते हो और मॉम डैड के बैंक बैलेंस में बहुत बड़ा होल नहीं कर रहे होंगे, वरना प्लीज़ इस कॉलेज को मत कंसिडर करना और यहाँ से क्रॉस मार देना। नंबर 3 यार हमारा VIT भोपाल आ जाता है, ठीक है, भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं, भोपाल या चेन्नई तुम कोई भी मान सकते हो दोनों में से। 15 लाख यार मैंने एवरेज यहाँ की फीस ले ली है तुम्हारी, 5 लाख का एवरेज पैकेज तुम्हें यहाँ पे मिल रहा होगा। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत नया कॉलेज है, मैंने कैंपस विजिट किया हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, ठीक है। प्लेसमेंट जो है तुम्हारी VIT वेल्लोर में जाके हो रही होंगी, 4th ईयर में सब जाओगे वेल्लोर और वहाँ जाके प्लेसमेंट्स हो रही होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शंस हो सकता है ये तुम्हारे लिए अगर ये सब और यहाँ तक तुम्हें कुछ नाम मिल रहा हो। नंबर 4 यार हमारा होने वाला है चितकारा, नंबर 5 चंडीगढ़, नंबर 6 एमिटी नोएडा। हमेशा से कन्फ्यूजन का कारण रहा है कि हम ये दोनों कॉलेजेस चूज़ करें या एमिटी चूज़ करें। पैकेजेस देख लेते हैं, सबसे पहले 4.5 लाख 4 लाख 4.5 से 5 लाख। एमिटी को नीचे रखा गया क्योंकि उसके आसपास जो हाइप बनी हुई है, जो मीम्स बनते हैं एमिटी पे, तो यार ये समझ लो कि जो मीम्स बनाते हैं लोग वो प्लेसमेंट वाले लोगों को भी दिखते हैं, ठीक है, जो प्लेसमेंट लेने आते हैं, तो उससे यार एमिटी का थोड़ा सा डाई डाउन हो जाता है ब्रांड। चितकारा में अगर तुम आ रहे हो तो तुम चितकारा में सिंपल सी बात है प्लेसमेंट्स के लिए आ रहे हो, चंडीगढ़ चितकारा दोनों में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हें थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा, अच्छी बात है। एमिटी नोएडा अगर तुम आ रहे हो तो एमिटी नोएडा तुम आ रहे होंगे यार यहाँ के अगेन एक्सपोजर के लिए। यहाँ पे यार थोड़ी सी एक मैंने चीज़ बताई थी अपने रिव्यू में कि एलीट क्राउड है, ठीक है, एमिटी नोएडा के अंदर थोड़ा एलीट क्राउड रहता है, तो उसके बीच में बैठ के उनसे बोलचाल करके या तो तुम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के गड्ढे में गिर के खत्म हो सकते हो या अपने आप को उनके लेवल तक एलिवेट करने की मोटिवेशन ले सकते हो, उनसे बात करना सीख सकते हो, लोगों को कैसे परस्यू किया जाता है, ठीक है, सिचुएशंस में कैसे दिमाग लगाया जाता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है या आर्टिस्टिक फील्ड में तुम्हें जाना है, तुम देखोगे अगर एमिटी का एलम यार तो बहुत सारे आर्टिस्टिक फील्ड में लोग मिलेंगे, तो उस केस में यार एमिटी अच्छा ऑप्शन तुम लोगों के लिए हो सकता है। LPU के साथ यार यही है कि अगर तुम्हें एक होटल में रहने का मन है 5 सितारा तो तुम LPU जा सकते हो, तुम्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो तुम LPU जा सकते हो। यार पैकेजेस इन सारे कॉलेजेस के सेम से हैं, फीस के बेसिस पे भी तुम चूज़ कर सकते हो। एमिटी की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है तो अगेन अगर थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हो तो जाना, लोन लेके इन चारों कॉलेजेस में जाने का फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। हम इन कॉलेजेस में जाएं या ड्रॉप प्लेस पे भी एक वीडियो बना रहूँगा मैं, है ना, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर चितकारा चंडीगढ़ एमिटी LPU इनमें से कोई भी कॉलेज तुम चूज़ कर रहे हो तो यार मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता देना चाहता हूँ कि इन कॉलेजेस के अराउंड बनी हुई हैं चीज़ें और बहुत सारी सच हैं, मैं कहीं पे मना नहीं कर रहा हूँ किसी भी पॉइंट को, बट अगर तुम मेरठ में हो या तुम एक Tier 2 या Tier 3 सिटी में हो भारत की और तुम अपनी करियर ग्रोथ चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ चाहते हो, तो तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, ठीक है। इन मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ के कॉरपोरेट एनवायरनमेंट्स में आने के लिए ये जो कॉलेज हैं ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर तुम अपने आप को एक नौकरी करते हुए देखना चाहते हो, तुम एक जॉब लेना चाहते हो, प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो शायद तुम यहाँ से यू आर स्टार्टिंग स्मॉल बट यू आर एमिंग फॉर बिग, ठीक है, तुम एक बिग पिक्चर की तरफ देख रहे हो और इसलिए तुम इन कॉलेजेस के अंदर आ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इन कॉलेजेस को लोगों को सक्सेस नहीं मिलती, बट इन कॉलेजेस के लोगों को भी मिल जाती है प्रोवाइडेड दे टुक द राइट डिसीजन। नंबर 8 यार हमारा AKGEC दिल्ली अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, बच्चे कह रहे थे कवर करने के। इसी के साथ एक नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज है, यह भी इसी IP यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो इसका नाम चेंज हो गया, अखिलेश दास गुप्ता कुछ ऐसा नाम हो गया इसका, बट AKGEC दिल्ली 5 लाख यहाँ का तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी, 3.75 लाख पर एनम एवरेज पैकेज। अगेन यार यहाँ का भी मैंने देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी क्लाइम करते हैं, इनकी जॉब्स जब बैंगलोर वगैरह में लग जाती हैं तो इनका जो करियर क्लाइम है ना वो थोड़ा एक्सपोनेंशियल लेवल का हो जाता है सीधा, और वहाँ से अच्छे अच्छे 20-25 लाख रुपये पर एनम के पैकेजेस पे बैठे होते हैं। तो यार अगर तुम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते
तो इस लिस्ट में यार दो कॉलेजेस हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, मेट MSIT है, तुम्हारे पास USIT है और एक AKGEC है। IP के कॉलेजेस की तुम फीस देखोगे सबकी कम ही होती है और दिल्ली का एक्सपोजर मिल रहा है, तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज एज वेल। तो यार 9 और 10 पे हमारे होने वाले SRM और मानव रचना, इन्हें खत्म करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो के थ्रू मैंने किसी को भी ऑफेंड किया हो तो यार हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, ठीक है। कुछ सच्चाई है, कुछ रियलिटीज तुम्हारे सामने लानी जरूरी थी, सब कुछ मैं अभी भी नहीं ला पाया हूँ। अगर इस वीडियो पे सपोर्ट दिखता है तो फिर उसकी भी कोशिश की जा रही होगी। SRM और मानव रचना यार दोनों यूनिवर्सिटी, यहाँ पे SRM अदर्स की बात हो रही है, मतलब SRM नोएडा वगैरह की बात हो रही है और मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है। 3.75 लाख इनके भी एवरेज पैकेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं और 20 लाख यहाँ की फीस है SRM अदर्स और 12 लाख फीस है हमारी मानव रचना यूनिवर्सिटी की। इन दोनों में चूज़ करना है तो तुम यार कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, फीस पर डिपेंड करता है थोड़ा सा। और तुम SRM के ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हो, मानव रचना के साथ, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एक चीज़ ये कहूँगा, तो अगर तुम्हारा सही में पढ़ने का मन है, रिसर्च पेपर्स करने का मन है, तो यहाँ के टीचर्स बहुत हेल्पफुल होंगे। बट अगेन पैकेज तुम्हें शुरू में इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा होगा। 80-90% वाली चीज़ क्लियर है, ठीक है, ये हमारी रैंकिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार तुम एक बार जल्दी से। और इसके अलावा यार एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि मैं पिछले एक महीने कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ, उसके लिए कुछ रीजंस थे, उसके पीछे कुछ चीज़ें बनाई जा रही थी तुम्हारे लिए, सोचा जा रहा था कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये बनानी चाहिए, सारी जो रियलिटीज़ हैं वो तुम्हारे सामने लानी चाहिए या थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो अच्छा लग रहा है यार वीडियो बना के ये वाली, ठीक है, दिल में ऐसे मतलब पत्थर रखा हुआ था, ऐसा लग रहा है थोड़ा बोझ हल्का हो गया, कुछ चीज़ें जो तुम्हें बैकएंड पर्दे के पीछे चलती हैं वो नहीं पता चल रही होती। तो ऐसा ही है यार, तुम इन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट मत करो यार, हम बैठे हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए। अगली वीडियो यार मैंने बता दी, टारगेट मार्क्स परसेंटाइल इन सब पे आ रही होगी, सपोर्ट बनाए रखना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मन हो तो कर देना, और अपनी तैयारी में यार तुम मचाते रहो यार, लास्ट का टाइम यार अप्रैल में, मैं देखना चाहता हूँ सबको सक्सीड होता हुआ। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, ठीक है। बस यार यहीं पर ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं, अगेन वेरी सॉरी यार अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को मैंने ऑफेंड किया हो, लाइफ में यार मचाते रहो एंड इट्स अ रैप अप, बाय।